Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. UP में प्रदेश स्तर पर कबाड़ी माफिया घोषित किए गए हाजी नईम उफ गडला की शुक्रवार को पुलिस ने एक गोदाम कुर्क कर लिया। वेस्टर्न रोड स्थित इस कोठी व गोदाम की कीमत करीब 25 करोड़ रुपए आंकी गई है। पुलिस द्वारा कोर्ट के आदेश पर की गई है कार्रवाई। चोरी व लूट के वाहनों के स्लॉटर हाउस चलाने वाले काले धंधे के ताबूत में यह आखिरी कील साबित होगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। शासन प्रशासन व पुलिस के कड़े रुख के बाद इस अवैध धंधे में लिप्त तमाम कबाड़ी अपना व्यवसाय बदलने को बाध्य हो चुके हैं। अब तक पुलिस 3 दर्जन से ज्यादा कबाड़ियों को गैंगस्टर में निरुद्ध कर चुकी है। कई बड़े कबाड़ी जेल के सलाखों के पीछे अपना टाइम काटने को विवश हैं। गंभीर बात यह है कि चोरी व लूट के वाहनों की खरीद फरोख्त करने वाले इस काले धंधे में अधिकांशतः वह कबाड़ी शामिल हैं जिनके नाम के आगे हाजी लगा हुआ है। ये सभी सिर्फ नाम के कबाड़ी हैं। इन्होंने बेहद कम समय में इस धंधे से अपनी करोड़ों की सल्तनत खड़ी कर ली है। अब इसी सल्तनत पर पुलिस का चाबुक चल रहा है। आज शुक्रवार को एएसपी सूरज राय के निर्देशन में जिस कोठी गोदाम को कुर्क किया गया उसका नंबर 235 है। यह बंगला मेरठ पब्लिक स्कूल से सटा हुआ है। आज वहां पहुंचकर एएसपी सूरज राय ने पहले माइक से कुर्की की घोषणा की, साथ ही मुनादी भी कराई गई। देखिए, इस क्षेत्र के सभी निवासी ध्यान दें, मेरठ पब्लिक स्कूल के पीछे स्थित बंगला नंबर 235 कैंट बोर्ड की संपत्ति, जो कि कैंट बोर्ड के अभिलेखों में हाजी नईम उर्फ गल्ला के नाम पर पंजीकृत है। यह संपत्ति विवेचना में ऐसा पाया गया कि इस संपत्ति को हाजी नईम उर्फ गल्ला के द्वारा अपराध करके अवैध रूप से अर्जित किया गया था। पता धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अंतर्गत इस संपत्ति को जब्त किया जाता है। इस संपत्ति का क्रय अथवा विक्रय नहीं हो सकता एवं इस संपत्ति में किसी भी प्रकार का प्रवेश वर्जित है। ऐसा करने वालों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाती है। इस दौरान एएसपी सूरज राय ने फर्स्ट बाइट को यह जानकारी दी। देखिए, अभियुक्त का नाम हाजी नईम उर्फ गल्ला है। इसकी यह संपत्ति लगभग 2000 वर्ग मीटर की भूमि है। इसका एक गोदाम है और बाजारी मूल्य इसका अनुमानित लगभग 15 करोड़ रुपए है। इस अभियुक्त की अभी तक की कुल कार्रवाई में लगभग 30 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हो चुकी है और पूरी कार्रवाई में लगभग 55 करोड़ रुपए की संपत्ति तमाम अभियुक्तों की सोतीगंज इलाके की जब्त हो चुकी है। गल्ला लगभग पिछले 4-5 महीनों से जेल में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत इसके ऊपर अभियोग पंजीकृत किया गया था और उसकी विवेचना में इसको जेल भेजा गया था। यह संपत्ति कैन बोर्ड की भूमि है और कैन बोर्ड के ही पत्र के द्वारा यह ज्ञात हुआ था कि यह संपत्ति हाजी नईम उर्फ गल्ला के नाम पर पंजीकृत है कैन बोर्ड के रिकॉर्ड्स। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।